जब जब बहार आए। पर सुकेश कहाँ सुनता है नीलू की? नहीं सुनता तो सुने। और आ तूने सुन, तूने नीलू से बात नहीं की और नीलू ने तेरी बात नहीं मानी तो मुझे तेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या मतलब मेरे बारे में क्या बोले जा रहे हैं आप? एक एक को देख लूंगा। साला मजाक बना के रखा है मेरी लाइफ का, मजाक बना के रखा है, मजाक बना है। क्या बात है, आज आप जल्दी थक गए? ये बताइए कि आप कहाँ रह गई थी? I'm sorry, मुझे देर हो गई। वैसे तो मैं बिना अलार्म के उठ जाती हूँ, पर आज नींद ही नहीं खुली। में ज्यादा सोना कोई बुरी बात नहीं है, खास करके जब नींद देर से आई। खैर छोड़िए इन बातों, ये बताइए पिटीशन का क्या हुआ? मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैंने तो सोचा कि आपको फोन कर लूँ, लेकिन फिर अरे अच्छा हुआ आपने फोन नहीं किया। अगर फोन कर भी देती तो शायद आप इस पार्क में नहीं आती। क्यों, क्या हुआ? मैंने लॉयर से बात किया था, इस पिटीशन पर तुम्हारा और मनीष का सिग्नेचर चाहिए हमें। ये है बेटा। ऐसा मत कीजिए पापा जी। बेटा मनीष से बात तो करो, कोशिश तो करो। उसका कोई फायदा नहीं पापा जी, ये लीजिए, ये नहीं हो सकता। फिर कोई अगर आपसे दुश्मनी करे तो आप उसे प्यार का मरहम लगा सकते हैं, प्यार की झप्पी दे सकते हैं, लेकिन कोई अपने आप से दुश्मनी करे तो फिर हम क्या करें? नीलू को क्या हो गया, मेरा फोन क्यों कट कर रही है? हेलो सूची। हाँ नीलू, क्या हुआ तुझे, तू मेरा फोन क्यों कट कर रही है? वो सुकेश इधर ही थे। ओ छोड़, तू बता कैसी है अब? बस चल रहा है। पहले तो रोज आया करती थी, अब क्या हुआ तुझे? दीदी और जीजू के बीच जो कुछ भी हुआ, जो भी तनाव हुए, उसकी वजह से सारे रिश्तों पर ग्रहण लग चुका है। कोई ग्रहण नहीं लगाया उन्होंने, और सब वैसा के वैसा ही तो है। अब देखना, अगर वो कोई और कपल्स होते और ये फैमिली कोई और होती तो क्या हम फ्रेंडशिप नहीं करते? लेकिन सच्चाई तो यही है ना सुची, कि वो दोनों हमारे ही परिवारों के हैं। एनीवे तू बता, तू कैसी है और घर पे सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक ही है, गजेंद्र का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नीलू। या आई नो, तू कुछ करना। बहुत मुश्किल है सुची, तू तो जानती है सुकेश कैसे हैं।
ऊपर से मम्मा आग में घी डाल रही हैं। जानती है गजेंद्र बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन हम सब पर निकालते हैं सुबह शाम। तुझे कुछ कहा क्या? हेलो हेलो सूची। हाँ हाँ नहीं बोल। क्या हुआ गजेंद्र ने तुझे कुछ? चंडील औरत चाहे कितना भी त्याग क्यों ना कर ले, कितनी ही सेवा क्यों ना कर ले अपने आदमी की, लेकिन वो औरत ही रह जाती है, इंसान नहीं। उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी कहाँ चली जाती है पता नहीं, उसका अपना अस्तित्व मिट जाता है पूरी तौर से। तू ऐसा क्यों कह रही है? नीलू तू एक बार सुकेश जी से बात कर लेना मेरी खातिर प्लीज यार। सोची मैं हमारी दोस्ती की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बात करूंगी। दिक्कत बस इतनी है कि मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी मैं बात जरूर करूंगी। एक बात याद रखना नीलू, कपूर और महराज के रिश्ते का नतीजा भविष्य में जो भी हो, पर हमारी दोस्ती जैसी आज है वैसी ही रहेगी। और तू भी भागेगी ना तो तुझे भी पकड़ के और जकड़ के रख लूंगी, समझी ना? मैं भी। चल रख, अब बहुत देर बात कर ली। अपना ख्याल रख, टेक केयर, बाय। जल्दी करो तुम दोनों। मम्मी टीचर ने बोला वो लास्ट ईयर की फीस नहीं भरी। ठीक है पापा से बात करना। पापा ने बोला कि मम्मी को बोल। ठीक है पापा से बात करना। मम्मी सूचना मिल रहे यहीं कहीं थे ना। माधवी चिंटू के शूज देना उसको। अरे यही तो थी। चिंटू अपना सामान संभाल के रखा करो बेटा। मम्मी चिंटू टीनू के साथ शूज निकाल के भागता है। मैं नहीं भागता। तू झूठा, तू झूठी। बस करो अभी तुम दोनों जाओ। माधवी बाहर देखो कौन आया। ये लो। मुझे सैंडविच नहीं खाने, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो नहीं खाना तो मत खाओ, सर मत खाना लेकिन मेरा। हेलो। हाँ लेकिन वो इंश्योरेंस पॉलिसी तो मेरे हस्बैंड करते हैं ना, आप उनसे बात कीजिए। मम्मी ये गैस वाला बोल रहा है कुछ रेगुलेटर, आप आइए ना। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सिलेंडर रखवा लो। देखिए इस बारे में आप सिर्फ मेरे हस्बैंड से बात कीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बाय। मम्मी ये मनीष बेटा इसका क्या काम है? कहाँ है गैस वाला? अभी तो यही था, शायद चला गया। ये मनीष बिना तेरे सब कुछ छोड़ छोड़ के कहाँ जाकर बैठ गए, सारा काम मेरे सर पर आ गया है। मम्मी पापा से फ्रेंडशिप कर लो ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुप रहो तुम, ठीक है? आ गया। हाय। हेलो बेटा। हाय आंटी। जोशना तुम यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल। आओ आओ अंदर आओ। आजा। आओ जोशना। यार क्या हो गया तेरे को? हाँ? ना फोन कॉल्स लेती है ना कॉल करती है और फिर मेरी मैसेजेस तक का तू जवाब नहीं देती। ऑफिस आ जाएगा टाइम पर, पता है विक्रम मैड हो रहा है। तुम तो देख रही हो ना एक पल के लिए भी यहाँ फुर्सत नहीं है, फोन कॉल्स कहाँ से अटेंड करूँ? और ये मनीष, मनीष को तो जैसे इस घर से कोई लेना देना नहीं है, ना इंश्योरेंस पॉलिसी भरी है ना इन दोनों की फीस भरी है और ना ही। मेरे को सैंडविच नहीं खाने, मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे सैंडविच मत खाओ बेटा, ये लो चॉकलेट। ये और दो इसको चॉकलेट। अरे उसके दांत में देखो दो दो कैविटीज आ गई है। मनीष को बोला डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट ले लो तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है, ये तुम करो ना। यार
सब कुछ ठीक तो है ना? और मनीष कहाँ है? ऑफिस? बॉस ने कहा कि काम्या की लाइफ में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, जा जाकर देख कर आ, और इसीलिए मैं सुबह सुबह यहाँ चली आई। ये तेरा लिविंग रूम है? ये कपड़े तो देख, देख कैसे बिखरे हुए हैं। ये मनीष के कपड़े हैं ना? आंटी, वो मम्मी पापा। चुप करो, जाओ जाकर अपना बैग अरेंज करो और देखो तुम्हारा टाइम टेबल चेक करो, क्या क्या बुक्स चाहिए वो सब बैग में डालो, जाओ। सब कुछ ठीक है ना? या मनीष का कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? कृष्णा, तुम भी ना कुछ भी बोले जा रही। अरे यार, तू उसको टॉवल क्यों नहीं देती है? मतलब बाथरूम में ना जब पत्नी पति को टॉवल देती है ना, हाय हाय हाय, तो नजारा ही कुछ और होता है। पता है, इतना रोमांस। और फिर पत्नी जब उस टॉवल को छुपा लेती है ना और पति उसको ढूंढता है, फिर वाह 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 वाह। जोशना, तुम जाओ ऑफिस। अरे निकलते हैं, चल साथ निकलते हैं। लेकिन मुझे बच्चों को छोड़ना है ना, मैं बच्चों को छोड़ते हुए आती हूँ, तुम जाओ। ठीक है, पर मैं बस इतना कह रही हूँ कि हस्बैंड से पंगा मत ले, ठीक है? उसका एक ही इलाज है, टॉवल। और सुन, विक्रम से तुझे सुलह करनी है ना, तो मनीष और विक्रम की दोस्ती करवा दे। ठीक है, चलो। ओके, मैं चलती हूँ, और जल्दी आना, नहीं तो फिर वो राजा विक्रमादित्य ना बहुत टैं 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 करेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, बाय, जल्दी बाय। चलो उठो तुम दोनों। काम्या, क्या हुआ? काम्या, काम करो यार, मेरा टॉवल दो प्लीज। ये लीजिए, यही तो पड़ा था बेड पे। देखा, मुझे पता था, मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। सुनो, तुम्हें सब कुछ पता होता है। अगर तुम्हें पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो क्यों ज्यादा मेहनत कर रहे हो? मनीष, मुझे बहुत काम है, मैंने सब्जी रखी गैस पे, वो जल जाएगी। अरे चलने दो ना, बाहर से मंगवा दूंगा तुम्हारी फेवरेट वाली सब्जी। मनीष, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत काम है। हाथ से याद आया, मेरा हाथ पीछे जा नहीं रहा है पीठ तक, तो प्लीज मेरी मदद कर दो ना साबुन लगा। अच्छा, इससे पहले तुम्हारा हाथ पीठ पीछे कैसे जाता था? गुड क्वेश्चन, वो एक्चुअली आज ही प्रॉब्लम हुई है, तो आज मैं चाहता हूँ कि तुम आओ ना प्लीज। छोड़ो, मुझे बहुत काम है, ठीक है? तू अब तो जाना ही पड़ेगा, लगता है कुरियर वाला आया। छोड़िए मेरा काम। कुरियर वाला है, ये मिस्ट्री वाली चिट्ठी डालकर चला। लेकिन अगर तुम चली गई ना, सी नॉट, डोंट गो। अब तो लगता है मेड आई, अब जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो मेड को जाने दो, मेड के काम मैं कर लूंगा ना, मतलब मैं बर्तन साफ कर लूंगा, तुम झाड़ू पोछा लगाना, फिर हम दोनों मिलकर बिस्तर लगाएंगे, और फिर तो पापा आ गए लगता है, अब जाना पड़ेगा। मैं, मेरे पापा भी है ना, मुझे गलत वक्त पे एंट्री मिली। रिश्ता वो क्यों बनाया, जिसे तोड़ ही था देना। यार तुम्हारी बहनें भी कमाल हैं, पहले गलत बंदों से शादी करती हैं और फिर उन्हें डिवोर्स दे देती हैं। अब अगर वो बाहर लड़कियां घुमा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है। फोटो भी आपने ही खींची थी ना? मैं वहां से गुजर रहा था, दोनों को साथ में देखा, दो फोटो खींचे। और यार वैसे भी आजकल लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे टकार मारने के भी फोटो लगा देते, इससे किसी का खून तो नहीं हो जाता? लेकिन दीदी और जीजू में कितना प्यार था, ऐसी फोटो देखकर थोड़ा इरिटेशन तो होगा ना? अभी तो और भी इरिटेशन होगा। वैसे
तुमने मुझे बताया नहीं तुम फोन पे किससे बात कर रहे? बताया तो था ताराना से। शिखा मोरे से नहीं? शिखा से तो पहले बात करी थी, उसके बाद जब जब बहार आए। तुमने मुझे बताया नहीं तुम फोन पे किससे बात कर? बताया तो था ताराना से। शिखा मोरे से नहीं? शिखा से तो पहले बात करी थी, उसके बाद। तुम्हें कितनी बार समझाया है मुझसे झूठ मत बोला कर, अगर पारा चढ़ गया ना तो। सुचित्रा का फोन था ना? हाँ। मैंने तुझे मना किया था ना उससे बात करने के लिए। उसी का फोन आया था। तो उठाया क्यों? गजेंद्र उसे किसी बात के लिए फोर्स कर रहा था। गजेंद्र उसे फोर्स कर रहा था ना, तुम्हें तो नहीं? पर अगर तुम्हें फोर्स कर रहा है तो बता मुझे, उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अभी तो सिर्फ बोल रहा हूं, उसे भी और तुम्हें भी। गजेंद्र जी के साथ तो मेरी बात भी नहीं हुई। सुचित्रा बहुत परेशान थी, गजेंद्र उसे हैरेस कर रहे हैं। हैरेस तो मैं भी तुम्हें बहुत करता हूं। बोला लेकिन तुमने तो कभी किसी से शिकायत नहीं की, या किसी मैरिज काउंसलिंग की दुकान खोल रखी है तुमने? मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर आपने गजेंद्र जी को पार्टनरशिप प्रॉमिस की है तो आप उनकी हेल्प क्यों नहीं करते? मुझे क्या करना है और क्या नहीं सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, न मेरी बीवी के कहने से न किसी बाहर वाले के कहने से। चल मैसेज कर सकता हूं, पर बोल कि आज के बाद तक कॉल नहीं करे। बोल। पुरानी दोस्त है। मैं तुझे पहले ही समझा चुका हूं, तो फाइनल वार्निंग दे रहा हूं। साढ़े दस हो गया काम यहाँ और तुम अभी तक रास्ते में हो, ये चल क्या रहा है? तुमने इस ऑफिस में काम करना है कि नहीं? ये क्या बोल रहे हो तुम विक्रम? सीरियसली काम ना, तुमने इस ऑफिस को मजाक बना दिया है। नहीं वो एक्चुअली मेरे बच्चों को वो... इनफ काम है, इनफ इनफ ऑफ योर बच्चा, इनफ ऑफ योर पति। आई डोंट वांट दिस नॉनसेंस एनीमोर। आधा घंटा दे रहा हूं, आधे घंटे में अगर तुम ऑफिस आ जाओ गुड इनफ, अदरवाइज यू आर टर्मिनेटेड। घर जाना और हमेशा के लिए छुट्टी करना। हेलो विक्रम, मेरी बात तो, हेलो विक्रम, Thank you.
जब जब बहार आए। वाह जी आ गया, वाह सुचित्रा यू आर ग्रेट, वाह गुरु याद आ गई हमारी। औरतों की कमाई खाते हो ये तो मैं जानता हूं, अब क्या बिजनेस भी औरतों के आड़ में करोगे? देख सुकेश, मेरे मन में अब भी गुजरे हुए रिश्ते की थोड़ी कदर बाकी है, ऐसा ना हो कि मैं वो भी भूल जाऊं। हंसी आती है मुझे तुम पर, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कदर की मेरी नजर में कोई कदर है? खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। हाँ ये सही, काम कब शुरू कर रहे हो हमारा? काम तो आपका इस जन्म में होने से रहा गजेंद्र बाबू। हाँ एक नसीहत और एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगा, तुमसे जो बन पड़े तुम कर लो, मेरे आगे गिड़गिड़ाओ, मेरे पैर पकड़ो, लेकिन अगर सिफारिश के काम में अपनी या मेरी बीवी को मत लाना, I'm warning you। अरे यार तुम तो माइंड कर गए, मुझे लगा कि मेरी जबान तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है औरतों की मीठी जबान तुम्हारे पल्ले पड़ जाए। मुझे जो समझना था वो मैं बहुत पहले समझ चुका हूँ, अब अगर सही समय पर तुम भी समझ जाओगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। बात करनी है मुझसे करो, औरतों से नहीं। आइंदा अगर बीवियों को बीच में लाया ना तो मार्क माय वर्ड्स, तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। एंड बाय द वे, औरतों के सहारे जो काम कराते हैं उनको मोटी जबान में क्या कहते हैं ये मुझे कहने की जरूरत है। तो बिजनेस करो, दलाली नहीं।